अशोक जी ने मुझे कल फोन पे बताया कि मुनीश्री जी, महेंद्र कुमार जी हमारे साथ नहीं रहे। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ और जब उन्होंने बताया कि आज उनके लिए सभा रखी है तो मैंने भी कहा कि मुझे आना है। हालांकि आप सभी का रिश्ता उनके साथ मुझसे कहीं ज़्यादा गहरा होगा और मैं समझ सकता हूँ कि हम सब के जज्बात इस वक्त क्या हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मौका मिला कि मैं उनसे मिल सका और मुझे वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत अनमोल हैं और बहुत प्रेशियस हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें उनको उनकी मुझे सुनने का मुझे मौका मिला और ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है, उनके दिल में जो डीप प्रेम होता है और ऐसे लोग एक्चुअली एटर्नल होते हैं। वो फिजिकल बॉडी फॉर्म में अभी आके गए हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे विचारों में ज़िंदा रहते हैं, उनके विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और उनकी मुस्कुराहट देखने का मुझे मौका मिला, उनकी आँखों को देखने का मुझे मौका मिला, उनकी बातें सुनने का मुझे मौका मिला और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आजकल मुझे लोग पूछते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ वक्त से फिल्में अभी नहीं कर रहे हैं और मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसका भी एक बहुत गहरा असर हुआ होगा मुझ पर उनसे मिलने के बाद कि मेरे माइंड में ये चीज़ जागी। और उससे मुझे एक दिशा भी मिली, ताकत भी मिली और मुझे लगता है कि हम सब के मन में ये भावना है कि वो जो काम, जो सेवा उन्होंने किया है उसमें हमारा भी योगदान हो तो वो हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात होगी। हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो प्यार है, उनका जो प्रेम है वो हम सब के साथ हमेशा रहे। धन्यवाद। नमस्कार।